महाराज भैया अच्छे से बैठ जा, आपके दर्द होगा पैरों में। इधर ही पैसा खर्च बहु है तो बैठो आएंगे। हाँ पंडाल लगवाई गई है, बिछवाई गई है, बिछाई। बंधुओं धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। जब बड़े हुए हैं तो पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। जब ये समझदार हुए, पांचों पांडव और मैया द्रौपदी हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने हिमालय से कूदे हैं, अपने शरीर को छोड़ा। इधर महाराज परीक्षित का राज तिलक तो हो ही चुका था। माताओं बात नहीं, तो एक दिन विचार करते हैं राजा कि जब कोई मरता है ना, ओए औलाद जब कोई मरता है, जैसे दादा परदादा जमीन छोड़ के जाते हैं तो अपने नातियों के लिए या पुत्रों के लिए कुछ ना कुछ रख के जाते हैं, तो हम भी तो देखे मेरे दादा हमारे लिए क्या रख के गए। तो क्या देखते हैं परीक्षित, कमरे खोल रहे हैं, उन सब कमरों को खोला तो एक कमरे पे निगाह पड़ी जिसमें एक सोने का मुकुट रखा है। उस सोने के मुकुट को सिर पर धारण करके शिकार खेलने के लिए चले। जब चले हैं शिकार खेलने के लिए, हुआ ऐसा आज सो मेरे श्री गणेश सारदा से समय समनायो। और विकट वनी में आज रे के राजा जब घुसिया आयो। सर्वस्व निछावर है, मां क्या आदेश है बता, आपको बता दें बुजुर्गों,
ये सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? ये गाय है ना, ये पृथ्वी मैया है और उसके पीछे जो बैल है वो धर्म है। इसके धर्म के चार चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल जो था, वो जो भाग रहा था, उसके चार नहीं सिर्फ एक पैर था। बोले तीन कहां गए पैर? तो बोले जब सत्ययुग था तब चार थे, जब त्रेता युग आया अधर्म बढ़ा तो तीन बचे, जब द्वापर आया और अधर्म बढ़ा तो दो बचे, जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ एक पैर। अब उन दोनों को जो मार रहा था वो कोई और नहीं, स्वयं कलयुग था। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कितनी? हाँ, अभी जो कलयुग है ना, अभी जो कलयुग की उम्र हुई है 5,000 वर्ष तक असर नहीं करेगा, लेकिन तब भी इतना असर है। अभी कुछ नहीं हुआ, 5,200 वर्ष का हुआ है, बचपन भी ठीक ठाक नहीं है कलयुग का। तब ये हालत है, कितना पाप हो रहा है। और जब घोर कलयुग आएगा तो आदमी की उम्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की बचेगी, 12 वर्ष की। और ऐसा व्यवहार होगा, ना माँ बेटे को देखेगी, ना बेटा माँ को, ना भाई बहन को, ना बहन भाई को, ना बाप बेटे को, ना बेटी बाप को। जो पशु व्यवहार करते ना, वैसा व्यवहार घोर कलयुग में होगा। इतना अधर्म होगा बंधुओं। धनुष पे बाण चढ़ा लिया, बोले मैं तुझे मार दूंगा। कलयुग बोले महाराज अजीब हो, सत्ययुग त्रेता द्वापर सब आए, सब ने राज किया, अब मेरी बारी है, हमें भी करने दो। तो बोले ऐसे नहीं करने दूंगा, फिर जा, मैं तुझे चार स्थान देता हूं। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तू निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तू निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, वेश्याओं का नाच होता हो वहां तू निवास कर। अरे कलयुग बोले महाराज, अच्छा व्यक्ति तो कभी नहीं जाएगा वहां पे, जो संस्कारी होंगे, अच्छे होंगे, वो तो कभी नहीं जाएंगे, कोई और जगह है। बोले हाँ, तू कनक में निवास कर। कनक माने, और एक होता ददूरा, कनक कनक तो सौ गुनी मादिकता अधिकाय बाघाए बोरा दुर्वा पाए। सोना भी दो प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का और एक दूसरों का छीना हुआ लूटा हुआ सोना। तो परीक्षित से कलयुग बोला महाराज जाना कहाँ है? परीक्षित बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो। जो मुकुट परीक्षित ने बांध रखा था, उस मुकुट को परीक्षित के बाबा भीम जरासंध से युद्ध में छीन करके लाए थे, छीना हुआ था। सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया और जब कलयुग विराजमान हो जाए तो बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। वहां से चले जाए के, प्यास बड़ी है तो लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ कदम रखा। लोमस ऋषि भगवान के वजन में बैठे, माला जप रहे, ध्यान कर रहे थे। आवाज लगाई है, महात्मा जी नेत्र खोलिए। अब तो भजन में बैठे हैं, याद रखना भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। भजन और भोजन हमेशा जितना हो सके वो एकांत में ही अच्छा लगता है।
भजन जो होता वो तीन प्रकार का होता है। एक तो भजन के लिए उम्र पढ़ाई की जरूरत नहीं है, भजन के लिए तो मैं करती हूँ उसके लिए तो बहुत जरूरी है। भजन के लिए उम्र की और पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप किसी भी उम्र में भजन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। भजन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, जो बचपन में किया जाता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पर भजन किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं होता। बुढ़ापे पे शरीर काम नहीं करता तो मजबूरी एक आदमी की पड़ जाए तो वो कर लेते, वरना कोई नहीं सुनता। ये नहीं कहते बुढ़ापे पे माँ बाप से बच्चे कि भगवान का भजन करो अच्छी गति होगी, वो कहते बस ये बताओ पैसा कहाँ रखा, कहाँ रखी तिजोरी की चाबी वो बताए दो, बस तुम निकलो। हुआ ऐसा यहाँ लोमस ऋषि से आवाज लगाई, बाबा ने नेत्र नहीं खोले तो सोचने लगे परीक्षक, मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा दे।